हो गया। तो ये ऐसा ड्रॉइंग है बराबर, तो इसका थिकनेस जो है ना 20 mm। ये सपोज प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल को अपने को आउटर काट काट के क्लीन करने का, बराबर है कि नहीं? बराबर। ये जैसा प्रोफाइल है ना, जैसा प्रोफाइल को अपने को क्या करने का, खाली आउटर काटने का, उसका कटर जो है ना आउटर घुमाएंगे तो ये पोजीशन में लेके आए, ऐसा ऐसा घुमा दिए, इधर लेके आ गए तो ये पूरा प्रोफाइल कट हो जाएगा। और इसको अभी जो है ना 20 mm थिकनेस तक काटने का, जैसा मेन प्रोग्राम सॉफ्ट प्रोग्राम यूज करते हैं ना सभी में, तो इसमें भी सेम ऐसा मेन प्रोग्राम सॉफ्ट प्रोग्राम यूज करके ये प्रोफाइल को 20 mm थिकनेस तक काटने का, ठीक है। तो ये पहला P1 ले लेता हूँ, P1, P2, P3, इधर आएगा P4, P5, P6, P7 और इधर आएगा P8। 8 पॉइंट है, पहला इसका सॉफ्ट प्रोग्राम बना देने का है और सॉफ्ट प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम में कॉल करने का, ठीक है। तो पहला वो नंबर लिखता हूँ, सॉफ्ट प्रोग्राम का नंबर दे देता हूँ 01, ऐसा 111 दे दिया है, N1 में G01, G91, Z-0.25, Feed 100, एंड ऑफ ब्लॉक ऐसा दे दिया मैंने, अभी जेड का डीपिंग दे दिया इसमें। फिर नेक्स्ट N2 में, अभी सपोज मैंने P1 तक लेके आता हूँ, मेन प्रोग्राम में जो है ना कटर का पोजीशन को ए पोजीशन में रखेंगे, ए पॉइंट में, बराबर है। तो इसमें एक्स में खाली ये कितना दिया है, 30 दिया है, इधर 30 दिया है, तो मैंने खाली क्या करेगा, एक्स में 30 ले, एक्स में 10 mm ले लेगा और वाई में ये 30 दिया है और ये कितना रेडियस है, 20 mm में रेडियस है, तो इधर हाइट कितना रहेगा, 20 रहेगा, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मैंने क्या करता हूँ, इसमें ये पोजीशन में खाली इधर 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस 20 दिया है, तो ये खाली 10 mm ले लेता हूँ। तो मेन प्रोग्राम में जब भी कटर का पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन रखेगा ना, ये पोजीशन में लाके छोड़ देगा, एक्स का कितना है 10 और वाई का 50। तो अभी मैंने क्या करता हूँ, ए पोजीशन से P1 को लेके आएगा कटर, नहीं तो G01, G91, Z-0.25, Feed 100 दिया, तो इधर प्लंज किया, फिर ये पोजीशन में P1 में लेके जाएगा, इधर लिखता हूँ G01, G90, इधर G41 और D1 कटर का रेडियस, हाँ नोज रेडियस लेफ्ट, G41, D1, पहला X में, P1 में X का पोजीशन क्या रहेगा 30 और Y का पोजीशन क्या रहेगा 50 है, 50.0, एंड ऑफ ब्लॉक, मालूम पड़ा? तो ये कौन सा हो गया पॉइंट, हो गया P1 में आ गया। फिर वापस P2 में जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट जा रहे, तो N3 में क्या हो जाएगा G01, नहीं G01, X का वैल्यू खाली अभी लिखने का है, तो X में कितना रहेगा 30.0 और Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना दिया है यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे जैसा 60 दिया है ना, तो यहाँ से इधर का डिस्टेंस जो है ना, ये भी 60 डाल दो, अभी ये मैंने 60 ले लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 30, 20, 50 हो गया, 50 और 60 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, वाई में 110.0 और इधर फीड बढ़ाने का रहेगा तो फीड 600 कर दो, एंड ऑफ ब्लॉक, मालूम पड़ा? फिर वापस P2 से P3 तक जाएगा, ऐसा सर्कुलर मोशन जा रहे और क्लॉकवाइज में जा रहे, तो इधर क्या आएगा G02, N4 में क्या हो जाएगा G02, X का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 30 और ये इधर तक 30 है, मतलब यहाँ तक 30 है और ये 40 है, कितना हो जाएगा 30 और 40 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो X में 70.0 और Y में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक। इधर अभी G02 आया तो इधर रेडियस आएगा, ये डायमीटर 40 दिया है तो रेडियस कितना रहेगा इसका 20 रहेगा, तो इधर R आ जाएगा कितना 20, एंड ऑफ ब्लॉक, मालूम पड़ा? ये लाइन ये अभी किधर आ गया P3 में आ गया, फिर वापस P3 से P4 तक आएगा, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे P3 से P4, तो P4 में जब आएगा स्ट्रेट आएगा तो N5 में क्या हो जाएगा G01, X में कितना हो जाएगा उतने 70 रहेगा 70.0 और Y में कितना हो जाएगा ये 30 है और ये 40,
प्लस ये रेडियस कितना दिया है 10 दिया है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना रहेगा 10 रहेगा, तो 30 40 कितना हो गया 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना 60, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 40 हो गया, कितना हो गया 70 हो गया, 70 हो गया, ये रेडियस कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 कितना हो जाएगा 70 और 10 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, तो x में 70 और y में 80, ये कौन सा नंबर पे आ गया एंड ऑफ ब्लॉक, इधर P4 में आ गया, वापस P4 से P5 जब भी आएगा ना ऐसा काउंटर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, बराबर है कि नहीं, तो G03 आएगा, तो N6 में क्या लिखेंगे G03, तो x में कितना हो जाएगा, ये कितना है अभी G01, तो N7 में क्या हो जाएगा वापस G01, X में कितना हो जाएगा 60 20 30, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110.0 और Y में कितना हो जाएगा 70.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ये कौन सा हो गया P6 में आ गया, फिर वापस P6 से P7 ऐसा क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो G02 आएगा। नेक्स्ट N8 में क्या हो जाएगा G02, X में कितना हो जाएगा 110.0 और Y में कितना हो जाएगा 30.0 रेडियस, इधर R आ जाएगा कितना 20, रेडियस 20, डायमीटर 40 दिया है तो रेडियस कितना आएगा 20 आएगा, फिर वापस P7 से फिर इधर आएगा P8 को आएगा, स्ट्रेट आ रहा है। N9 में क्या हो जाएगा वापस G01, X में कितना हो जाएगा 30 और 20 50.0 और y में कितना हो जाएगा y में 30 एंड ऑफ ब्लॉक, ये कौन सा नंबर हो गया P8 हो गया, वापस फिर P1 में जाएगा ऐसा क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। N10 में क्या हो जाएगा G02, x में कितना हो जाएगा अभी 30, x में 30.0 बराबर है कि नहीं, यहां तक आएगा ना T1, इधर इतना कितना हो रहा है ये अभी 30 mm हो रहा है, तो P1 में X में आएगा 30 और Y में कितना हो जाएगा 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, ये 30 mm है और ये 20 mm है, रेडियस 20 दिया है ना, तो 50 और 20 30 और 20 कितना हो गया 50, फिर इधर आ जाएगा रेडियस कितना आ जाएगा R कितना आ जाएगा 20 एंड ऑफ ब्लॉक, ये कौन सा हो गया P1 में आ गया, मतलब यहाँ पे पूरा ऐसा घूम के कटर आ गया N11 में M99 सॉफ्ट प्रोग्राम एंड, ये मालूम पड़ा, ये सॉफ्ट प्रोग्राम अभी लिख दिया, तो मैंने अभी ये पोजीशन से मेरे को अभी देखने का है कटर को कहां से पहला सेट पोजीशन में रखने का है और ये सॉफ्ट प्रोग्राम को वहां से कॉल करने का है, मालूम पड़ा, और मैंने मेन प्रोग्राम इसका लिखता हूं, मेन प्रोग्राम में ज्यादा लिखने को नहीं रहेगा, पहला वो नंबर 001, नेक्स्ट N1 में G17, G21, G94, G49, इधर G40 डालने का अपने को क्योंकि यहाँ पे 41 यूज किया है ना, G41 D1 यूज किया है, तो इधर कंपलसरी G40 डालने का, 41 42 को कैंसिल करेगा। नेक्स्ट N2 में G91, G28, X में 0.0, Y में 0.0, Z में 0.0, ये तीनों एक्सिस होम पोजीशन में चला गया। नेक्स्ट N3 में टूल को कॉल करेंगे T01, M06, एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे भी टूल डिफाइन करने के, तो टूल डिफाइन करो, डाया मैंने अभी 12 mm एंड मिल ले लिया, जो भी टूल का डायमीटर रहेगा यहाँ पे डिफाइन कर लेने का। नेक्स्ट N4 में इसका RPM देने का है S3000, M03, एंड ऑफ ब्लॉक, ये मालूम पड़ा ना, RPM दे दिया L03। नेक्स्ट N5 में G00, G90, G54, तो पहला मैंने अभी X में 10 और Y में कितना 50, तो X में 10 में रखता हूँ 10.0 और Y में कितना लेता हूँ 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट अभी टूल का हाइट डालेगा इसमें N6 में
G00, G43, H1, Z100, M08 एंड ऑफ ब्लॉक मालूम पड़ा। टूल का हाइट दे दिया। नेक्स्ट M7 में इसमें टूल को क्या करने का, जीरो पे लेके आने का, G00 Z को 1 मिलीमीटर पहला नीचे रखता हूँ, मतलब पहला 100 मिलीमीटर ऊपर था उसको 1 मिलीमीटर लाके रखा थोड़ा सेफ में, फिर बाद में इधर से जीरो तक लाके छोड़ देगा उसको। हाँ, तो N8 में क्या करेगा, उसमें G01 Z में 0.0 इधर फीड दे देता हूँ 100 एंड ऑफ ब्लॉक। ये लिख लिया अभी, फिर अभी एक प्रोग्राम को कॉल करेगा तो L9 में क्या लिखेगा, M98 सब प्रोग्राम कॉल करेगा, फिर P नंबर लिखेगा, P में प्रोग्राम नंबर क्या है, 111 है आया, फिर L में नंबर ऑफ टाइम कॉल करने का, L में इधर कितना जा रहा है, 0.25 जाता है डेप्थ ऑफ कट, मतलब एक ही बार में 0.25 काटेगा तो अपने को कितना जाने का है, 20 mm जाने का, बराबर है कि नहीं, 0.25 जाता है तो 1 mm काटने के लिए 4 बार लिखना पड़ेगा, फिर 20 mm जाने के लिए 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80 टाइम इसको कॉल करना पड़ेगा, तो L में लिख लेंगे 80 एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे खत्म हो गया। फिर ये क्या करेगा, मेन प्रोग्राम इसको कॉल करते रहेगा, N10 में G00 Z को 100 mm ऊपर ले लेंगे, M09 कूलेंट ऑफ कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट L11 में G91 G28 X में 0.0 Y में 0.0 Z में 0.0 तीनों एक्सिस को होम पोजीशन में ले लिया। नेक्स्ट L12 में M05 में स्पिंडल ऑफ, L13 में M30 में प्रोग्राम खत्म हुआ, मालूम पड़ा। तो सब प्रोग्राम को पहला अपने को लिख लेने का अच्छा से, फिर बाद में उसको मेन प्रोग्राम में कॉल करते रहेंगे। कोई भी प्रोफाइल रहेगा, सपोज इसको फेसिंग भी करने का है तो फेसिंग का भी आप सब प्रोग्राम बनाओ और इसको कॉल करते रहो, कई कई जगह पे जो है ना मटेरियल का ऐसा स्क्वायरिंग करने को रहेगा, सपोज 100x100 का ऐसा ब्लॉक है उसको आपको फेसिंग करने का है, तो फेसिंग करने के लिए आपने एक ही बार उसका सब प्रोग्राम लिख दिया, फिर बाद में सपोज आपको 5 mm डीप जाने का है, 10 mm डीप जाने का है, तो नंबर ऑफ टाइम कॉल करते रहो, ऐसा कुछ प्रोफाइल रहेगा प्रोफाइल काटते रहो उसको, ऐसा एनग्राविंग लेटर जो रहता है ना, लेटर में एनग्राविंग प्रोग्राम बनाते हैं, तो एनग्राविंग करने का टाइम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मेन प्रोग्राम सब प्रोग्राम, मालूम पड़ा, क्लियर, ओके।